प्लाज्मा थेरापी नहीं सुस्थ हेले कोरोना आक्रांत महिला कटक अश्विनी हस्पिटाल चिकित्सित होता कटक पुराणा राउसापाटना अंचल महिला प्लाज्मा थेरापी नहीं सुस्थ होती घर को फेरबारे राज्यर प्रथम व्यक्ति प्लाज्मा नहीं आउ 13 जन स्वास्थ्य अवस्था उन्नति आसी तेणु यह चिकित्सा मध्यम आउ अधिक रोगी सुस्थ हो पारे आशा संचार हो काम देला प्लाज्मा थेरापी आईसीयू घर को फेरिले एकदा गुरुतर हो पड़ा कोरोना रोगी अश्विनी हस्पिटाल चिकित्सित होता 48 वर्षिया महिला हस्पिटाल डिस्चार्ज हो घर को फेरी कटक पुराणा राउसपाटना अंचल महिला जनक गत 14 तारीख में कोरोना पॉजिटिव चिन्हट होते चिकित्सापी कोविड हस्पिटाल भर्ती कर 15 तारीख में महिला प्लाज्मा दि जाता परे तांको आईसीयू रे रखा जाइतिबा बेले धीरे धीरे तांको स्वास्थ्य अवस्था रे उन्नति होइतिला आज संपूर्ण सुस्थ हेबारु तांको मेडिकल रो डिस्चार्ज करा जाइछि आपनरे प्रथम प्लाज्मा थेरेपी हां आपन संपूर्ण सुस्थ हां हम सुस्थ छी कते खुशी अछि नै हम पूरा खुशी अछि न राती एक करिक मो पाई ट्रीटमेंट करछन नाको बहुत बहुत धन्यवाद समस्त प्लाज्मा दैछन तमे तांको कोन कहिबो तमे तांको बहुत धन्यवाद दउ छी से मो जीवन रक्षा करछन एबे सुधा राज्यर 13 जन को प्लाज्मा दिया जाय छे अधिकांश आक्रांत सुस्थ होबार लागि छथि राज्य रे प्लाज्मा थेरापी काम देथिबारु एहा खुशी खबर बोली महिला को चिकित्सा करथुवा डाक्टर कहिछन्ति ए जे प्लाज्मा थेरापी पाइथले 15 तारिख रे ए 15 जुलाई रे तनो 14 जुलाई रे से चिन्ह ठेले तनो आज 14 जुलाई रे जेमति 10 दिन परे आमे सिम्पटम नथिबा लोक को भी डिस्चार्ज करछन घर को ये सिम्टम थाई कोविड निमोनिया डेवलप करी ट्रीटमेंट पाई जे 10 दिन रे डिस्चार्ज हो गले सेटा को गोटे डेफिनेटली आमे गोटे श्रेय दबा प्लाज्मा थेरापी को गत 15 तारीख रे राज्य रे आरंभ होई छि प्लाज्मा थेरापी कटक श्री रामचंद्र भंज मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल रे प्लाज्मा थेरापी व्यवस्था उद्घाटन करथिले मुख्यमंत्री नवीन पटनायक देशर हाथ गणति राज्य भितर ओडिशा प्लाज्मा थेरापी चिकित्सा रे शामिल होई ब्यूरो इनपुट सह कटक रु किरण कानुनगो रिपोर्ट न्यूज 7।